हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूपी बीसी सखी के काम को रिलेटेड है कि हमारे जो यूपी बीसी सखी का जो अभी यूपी में सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि यूपी बीसी सखी का काम क्या होगा और किस तरीके से वो अपने कार्यभार को संभालेंगी और कब तक उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप यूपी बीसी सखी सर्च करेंगे, जैसे मैंने ये सर्च किया हुआ है, तो आपको बहुत सारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। योजना भी आपको समझाने के लिए मिलेगा कि योजना में किस तरीके से क्या काम होने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ से बैंक जाने की टेंशन नहीं, घर घर पैसे पहुँचाएंगी सखी। बेसिकली देखो, प्रॉब्लम ये है कि यूपी बीसी सखी का रोल होगा एज ए मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट, बैंक्स एंड पब्लिक। मतलब कि जो बैंक है और पब्लिक है, उन दोनों के बीच में आपका जो रोल है वो है बीसी सखी का। कैसे कि आपको जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो घर घर पहुंचाई जा सके, यही हमारा बीसी सखी का रोल होगा। ठीक है, देखो अभी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आपको मान लो कि पेंशन है, बहुत सारे टाइप्स की पेंशन गाँवों में मिलती हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास पैसा अगर हमें जमा करना है अकाउंट में, पैसा अगर हमें अकाउंट से निकालना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमें बैंक से रिलेटेड, तो उन सारे काम को करने के लिए हमें बैंक में जाना होता है। ठीक है, तो बैंक में जाने के लिए आपको एक तो एक्स्ट्रा बैंक पे बर्डन पड़ता है कि बैंक के अंदर क्राउड हो जाता है। ठीक है, दूसरा अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में भीड़ तो पहली बात होनी नहीं चाहिए, दूसरी बात स्टाफ भी कम ऑपरेट कर पा रहा है बैंक के अंदर भी और किसी भी अदर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टाफ कम है, क्राउड ज़्यादा है, काम हमारा छूटता जा रहा है। दूसरी बात, सुविधाएं हमें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए यूपी सरकार ने 58,000 महिलाओं को रोज़गार देने के लिए सोचा है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, मतलब कि महिलाओं को नौकरी मिलेगी, वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इसको करने से सारी बैंकिंग सुविधाएं आपको आपके गांव में ही मिल सकेंगी। जैसे कि हर एक गांव में एक बीसी सखी का चयन किया गया है, उनकी ट्रेनिंग अभी ऑलरेडी चल रही है, कहीं कहीं पे ट्रेनिंग चल रही है, कहीं पे ट्रेनिंग हो चुकी है, कहीं पे अभी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कहीं पे अभी रिजल्ट आया है। तो बेसिकली पूरे हर एक ज़िले में अपना अपना प्रोसेस चालू है। जैसे कि अगर हम मैं बताऊं तो हमारे ज़िले में, ठीक है, अभी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और सिलेक्शन कम्प्लीटली डन है, जस्ट यहाँ पे अभी उनका कार्यभार स्टार्ट होने वाला है। मतलब हो जैसे ही कोविड का थोड़ा सा कम होगा, तुरंत ही उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उनको देखो अभी प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपका चयन होगा, चयन होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा ऐप के अंदर, जो आपका यूपी बीसी सखी का मोबाइल ऐप है उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका चयन इस गांव के लिए हुआ है। और आपको फिर आरसीटी के अंदर, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आरसीटी, हर एक ज़िले में होता है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग होगी, 6 डेज की ट्रेनिंग होगी। उस 6 डेज की ट्रेनिंग में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी, सिर्फ आपको जाने का, वहाँ पे पहुँचने का अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके अलावा पूरी ट्रेनिंग कम्प्लीटली फ्री है, वहाँ पे खाना भी मिलेगा आपको, हर चीज़ मिलेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, उसमें आपका नेक्स्ट प्रोसीज है एनआरएलएम का। ठीक है, आईएबीएफ के थ्रू जो है एक एग्ज़ाम होता है, आईएबीएफ का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है विद 40% मिनिमम मार्क्स। उसको अगर क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आईएबीएफ की तरफ से। ठीक है, सॉरी, आईएबीएम की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आरसीटी ही आपको प्रोवाइड करेगा। आरसीटी आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर आपकी एम्प्लॉय का आईडी, एक तरह से बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन कोड लिखा होता है, उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी फिर आपके लखनऊ जाएगी। लखनऊ से आपको फिर पैसा अलॉट होता है जो कि आपको 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक अलॉट होगा। ठीक है, 50,000 रुपये आपको आपके इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जैसे कि लैपटॉप खरीदना होगा, आपको पंचिंग मशीन खरीदनी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे चाहिए होगा, POS मशीन होगी, ठीक है, इसके लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। बाकी आपको 25,000 रुपये ट्रांजेक्शन्स करने के लिए दिया जाएगा कि 25,000 रुपये में आप ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, और ये आपको एज ए लोन दिया जाता है। ठीक है, ये अमाउंट आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को, जो कि बहुत छोटी छोटी किस्तों में आप पे कर सकते हैं, जो कि बिना किसी ब्याज के होगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा दोस्तों इसमें एक और फ़ायदा ये होगा कि हर एक गांव में अगर एक BCSK तैनात की जाएगी तो वहां पे जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो आपको घर घर पे मिल पाएगी, और हर एक व्यक्ति को अभी किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे काम के लिए अगर आपको पैसा जमा करना है, आपको पैसा निकालना है, आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको लोन दिलवाने में भी ये हेल्प करेंगे, और गाँव में जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो कार्यभार हैं वो सारे कार्य भी BCSK के द्वारा कम्प्लीट किए जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे BCSK के द्वारा कंप्लीट की जाएंगी। उसके अलावा BCSK को क्या वेतन मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। BCSK को शुरुआत के 6 महीने तक गवर्नमेंट एक फ़ंड देगी, जो कि उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटर्न फंड बोल सकते हैं, या फिर उनको एक तरह से ये इसमें लिखा भी हुआ है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइस के लिए भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा भी उनको लेन देन पर कमीशन देंगे, जिससे उनकी हर महीने आय निश्चित हो जाएगी। मतलब उनको 4,000 रुपये एक तरह से स्टार्टिंग में 6 महीने तक सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो जिनके लिए बैंक के लिए वो BCSK काम करेंगी वो BCSK को वेतन भी देंगे, एक तरह से कमीशन के रूप में वेतन देंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाएगी और वुमन एम्पावरमेंट का एक बहुत बढ़िया ये काम होगा, क्योंकि ग्रामीण एरिया में वुमन एम्पावरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग सिर्फ जेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ एक ही मुखिया जो कार्यभार संभालते हैं घर का। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी पहल है योगी सरकार की, यूपी सरकार की, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी थी आज की खबर। बाकी आपको कुछ और डाउट है अगर UPBCSK से रिलेटेड, देखो आपको इसमें डाउट यही होगा कि ज्वाइनिंग कब हो रही है, आपको जो मैंने डाउट्स आपको क्लियर कर दिए ऑलरेडी, जहाँ पे ट्रेनिंग हो चुकी है, जहाँ पे सर्टिफिकेट मिल चुका है, वहाँ पे पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैसा आ चुका है, बहुत सारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे पैसा कुछ ब्लॉक्स के अंदर आ चुका है, कुछ का अभी बाकी है, ठीक है। और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है। तो बेसिकली जैसे ही हमारा कोविड का टाइम ख़त्म होगा तुरंत ही हमारा ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी दोबारा से। और मेरी अभी बात भी हुई थी जो कि पेटीएम, जैसे कि पेटीएम बैंक या हमारे एयरटेल बैंक हैं, वो ऑलरेडी सब लोगों की, मतलब जो भी जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है UPBCSK की, उनकी KYC करने में लगे हुए हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो जैसे ही अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी रुका हुआ है कुछ दिनों से, जब से कोविड का ज़्यादा खतरा हो गया है, तो जैसे ही अभी कोविड का खतरा फिर से कम होगा तुरंत आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर से अपना कार्य करने में, मतलब कि दोबारा से जारी हो जाएगा आपका कार्य। बाकी आपको कोई और इससे रिलेटेड डाउट आता है, कुछ और पूछना चाहते हैं UPBC से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।